हालेलुया। मेरा नाम अर्चना रानी है, मैं अमृतसर तो आई हूँ और जिस तरह इतने दो दिन हो गए क्लास लग रही हूँ, मैंने बहुत अच्छा लग्या। कई चीजा सानू बेसिक जरूरत सी सीखने की, कि जिस तरह की अभी कलीसिया दे विच चलते हैं और साडी कलीसिया वध क्यों नहीं पा रही हैगी। छोटे छोटे सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट होंगे जिन्हों नू अभी मिस कर दिंदे आ, सोच दे विच विचारते नहीं है, लेकिन उन्होंने राही बचन दे राही जो इन्होंने दस्या हैगा और इन्होंने एक स्पीच दी हैगी है कि तुम कितों मिस गाइड हो जाते हैं और कलीसिया किस तरह टुट जाती है। कई बार होंगे ना नए परिवार नई संगति साढ़े नाल जुड़ती है और टुट जाती है, थोड़ा टाइम चलती है और फिर टुट जाती है, विश्वास तो टिक जाते हैं लेकिन कितों होंगे। कई बार साढ़े च कमियां होंगे, कई बार अगले की कमियां नूं अहीं कवर नहीं कर पाते। हालेलुया हालेलुया। मैं सोचती हूँ कि बहुत सारे इतने भैन भाई बैठे ने और तकरीबन सब की कलीसिया इस तरह का कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो मैं भी चर्च के नाल जुड़ी हुई हाँ और वैसे तो प्रेयर सेंटर के नाल जुड़ी हुई हाँ, उत्थे मैं चर्च लगाते साढ़े भी इस तरह होंगे रहा और जो ये चीज़ होंगी है तो मन टुटता है ना, साडा मन टुट जाता है कि इस तरह साड़ी कलीसिया खराब हो रही है, परिवार खराब हो रहे हैं, है ना, इधर उधर भटक जाते हैं। लेकिन इन्होंने जो दसिया है कि भी छोटिया गलों के कई बार परिवारिक गल् ही लेके बह जाने, कई बार साढ़े को बचन की घाट हैगी है। जिस तरह मैं हजे नहीं जुड़ी हाँ, मेरे को वचन की यह है कि घाट हैगी, मैं प्रोपर वचन नहीं हैगी हाँ, मेरी स्टार्टिंग ही हैगी है, तो मैं घाट होने करके होंगे है कमी के होने करके, जिसमें किसी की डाइट ज़्यादा है, कुछ लोग होंगे जिन्हों की डाइट ज़्यादा हैबिट ज़्यादा खाने की या फिर ताकतवर ज़्यादा लेंगे, कुछ हल्का और कुछ हैवी खाते है ना। लेकिन जेकर साढ़े को हैवी नहीं है और जो हैवी नहीं है और जो हैवी खाने वाला वो हल्के खाने तो की होंगे संतुष्ट नहीं होंगे, वह तुर जाता अगले पास लभना शुरू कर दिता इस तरह इस तरह। और सूँ जरूरत है वचन की गहराई से जान की, जेकर अं गहराई के जाते हैं पढ़ते हैं अध्ययन करते हैं, कोई इस गुना नहीं है, कोई बुराई नहीं है, सगो बल्कि साड़ी जिन्या भी कमियां घटिया ने सारिया खत्म हो जाए। और अं जो लोग दूसरे जुड़ते साढ़े नाल परिवार जुड़ते हैं, अभी भी पूरे विश्वास के नाल और वचन के नाल खास करके, क्योंकि जो साढ़े को विश्वास है वचन नहीं है और अं की कर देंगे है परिवार को तोड़ देंगे है, लेकिन जो वचन है और विश्वास है वो हजार गुना पावरफुल हो जाता है। हालेलुया। और मैं अच्छा लग्या है सारा कुछ आप प्रोसीजर जो चलिया है, दो दिन की क्लास चली है, सब मैं चाहवागी कि आप सारे ही की करिए स्टडी करिए। हमें सो मैं थोड़ा सारे का शुक्र धन्यवाद। बहन जी रे ताले बजा कर देव नाम मांगी, थैंक यू। जो अल्लाह ताले बुलाए यस प्रेज द लॉर्ड। आपके नाम हिंदी में बोलिए। बाय बाय। मैं हिंदी में सारा का जय श्री। मेरा नाम हरजीत कौर है, मैं सारा प्रार्थना भवन से जुड़ी हुई है। मेरे अगवा भाई राजेश कुमार जी ने इन्हों की संगति ने करते मैंने 15 साल हो गए ने। मैंने बहुत अच्छा लगा दे आत्मा शरीर और प्राण। हमारे शरीर में ऐसी बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी कमी घटी होती है, जिसकी वजह से हम अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम अपने आत्मा में कैसे बढ़ सकते हैं करके प्राण और शरीर में, क्योंकि हम जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां करते हैं। हम अपने देखने में गलती करते हैं, हमारे चलने में गलती होती है, हमारे पहनने में गलती होती है, इसकी वजह से हम अपनी आत्मा में और वचन में और सामर्थ्य में हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस मेल मिलाप के तंबू में आप सबको परमेश्वर की योजना के अनुसार हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं और परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने सभी बहन भाइयों का जिन्होंने यहाँ पे अपना कीमती समय परमेश्वर के नाम में दिया है, उनकी आराधना में बैठे हैं, उनको समय दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जितना भी समझाया गया है दो दिन में है, तो ये सिलेबस बहुत भाई ने बताया है कि मैंने तुम्हारे को निचोड़ निकाल के एक चमचा दिया है और अच्छे होने के लिए एक चमचा ही दवाई बहुत ग्रोथ करती है, आत्मिक जीवन में भी बहुत करती है। मैं अपने भाइयों का जो दक्षिण भारत से आए हैं मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनको मिलने के बाद मुझे महाराष्ट्र की फीलिंग आ गई है। मेरा महाराष्ट्र नागपुर और से थोड़े से आगे मैं बल्लाशाह की रहने वाली हूँ, मैं मेरा जन्म स्थान वही है और अब मेरे मदर टंग दो है, मराठी भी है, मातृभाषा हिंदी है और इस टाइम पंजाबी भी हो गई है। हालेलुया। मैं तीन भाषाओं में कर सकती हूँ। किसी भाई ने बताया है कि
आने वाले टाइम पे आप पंजाबी में स्पीच करोगे। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। जब मैं पहले दिन यहाँ बैठी थी तो इन्होंने कहा कि आप अपने अंतर ध्यान में बैठ के प्रार्थना करो। मैं अपने आप में देख रही थी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कि मैं इस जगह पे खड़ी हूँ। मुझे उस टाइम लगा कि मेरे को शायद मिस अंडरस्टैंडिंग हो रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि जो मैं फ्लो देखा है वो सही है या गलत है। जैसे इन्होंने स्पीच किया, बोला है परमेश्वर की दया से इनके अंदर परमेश्वर ने वो बात डाली है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस हो गया है। मुझे पंजाबी बोलनी आती है, मुझे लिखना नहीं आता है। परमेश्वर ने चाहा तो मैं इसमें भी ग्रोथ करूंगी और आपकी जीवन में। हरे को जय शिव की, हरे लुया, हरे लुया। आखिरी जवाब आप मंडल होता है।